राधे राधे मित्रगणों, कैसे हो सब। आई एम योर डीजे एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप यू ऑल आर वेल। तो बहुत टाइम से टाउन हॉल 9 की अटैक स्ट्रेटजी मांग रहे थे, तो अभी विच स्लैब का इवेंट आया है। वीडियो बहुत छोटी सी होगी टाउन हॉल 9 और टाउन हॉल 10 के लिए। जो इससे ऊपर वाले हैं, टाउन हॉल 12 वगैरह जो भी इससे ऊपर वाले हैं, उनके लिए कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी वीआईटी और स्पैम वाली, तो उसमें आपको विच अटैक मिल जाएगा और आपका विच स्लैब वाला इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं टाउन हॉल 9 से विच अटैक करना विच स्लैब इवेंट के लिए। तो सामने आपको दिख रहा है एक बेस आ चुका है, ठीक है, और मैक्स है पूरा ये लगभग। और हमारे पास यहाँ पे किंग नहीं है और हमारी क्वीन भी मैक्स नहीं है, पर हमारी जो आर्मी है वो ठीक ठाक अपग्रेड है। तो आपको दिख रहा है आपके पास 8 अर्थक्वेक स्पेल होते हैं और कंपार्टमेंट ऐसे तोड़ने कि पूरा जो बेस है ना वो लगभग खुल सा जाए। उसके बाद लेफ्ट और राइट साइड की क्लीनिंग। सामने आपके गोलम आ जाते हैं और आपकी आर्मी आ जाती है और सीसी में आपने अपने बॉलर लेके जा रहे हैं, ठीक है, सीसी में बॉलर रख रहे हैं अपने। उसके बाद आपके पास पड़ा होता है एक फ्री स्पेल। फ्री स्पेल कहाँ गिराना होता है? फ्री स्पेल सिर्फ वहाँ गिराना है जहाँ पे कोई भी स्प्लैश डैमेज देने वाली चीज हो, जैसे कि विजार्ड टावर, बॉम्बर टावर या मल्टी मोर्टार जो आपको डैमेज दे रहा हो, ठीक है। उससे क्या होता है, विचेस के बेबी मर जाते हैं और बेबीज मरेंगे तो जो डिफेंसिस है वो सीधा आपके ट्रूप्स को ट्रिगर कर लेगी। वैसे आपके पास यहाँ पे गोलम भी होते हैं पत्थर वाले जो आपकी हेल्प करते रहते हैं। तो आपको दिख रहा है सारी दीवार तोड़ने की वजह से आपकी जो आर्मी होती है वो पूरे बेस में ना घूमती रहती है और वो सब कुछ यहाँ पे खा लेती है। यहाँ पे किंग होता तो बहुत अच्छी एडवांटेज आती है। और किंग का यूज क्या करना है, जैसे आप सेंटर में पहुंचते हो किंग की एबिलिटी देनी है जिससे वो एकदम चार्ज हो जाता है और बहुत स्पीड में क्लीन अप शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा किंग नहीं है वरना अटैक और पावरफुल होता, पर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारी जो आर्मी है उसमें बहुत सारी विचेस बची हुई है। कैनन और एक टेस्ला बचा है जो बड़े ही आराम से हमारी विचेस निकाल लेगी। जैसा कि आपको दिख रहा है ये बेस हो गया 3 स्टार। और आपके पास पॉइजन स्पेल पड़ा होता है वो अपनी सीसी में गिरना होता अगर कोई सीसी निकले, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स है जो सीसी से लड़ सकती है, जैसे कि विच और आपकी क्वीन, क्योंकि क्वीन भी सीसी से लड़ सकती है और आपकी विचेस भी लड़ सकती है। तो एक पॉइजन स्पेल बहुत होता है इस आर्मी में। तो टाउन हॉल 9 के अटैक स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल यूज कर सकते हो। टाउन हॉल 10 आ चुका है, आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास बिल्कुल भी कोई भी हीरो नहीं है। यहाँ पे आपने यह करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आर्मी बूस्ट करी है क्योंकि मेरी आर्मी बिल्कुल भी मैक्स नहीं थी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अपना एक अर्थक्वेक स्पेल गिर के 4 लाइटनिंग स्पेल गिर के अपना एक इन्फर्नो टेक डाउन कर लेना होता है। दूसरा इन्फर्नो किससे टेक डाउन करना है, अपना लोग लॉन्चर से। आपको दिख रहा है लोग लॉन्चर किसको ट्रिगर कर रहा है, इन्फर्नो को। तो करीब 3 या 4 हिट में आपका लोग लॉन्चर टूट जाता है और आपके पैका जो आते हैं पहले वो आते हैं क्लीनिंग करने के लिए, देन पैका के पीछे से आपकी आर्चर वार्चर सब कुछ आ जाती है, मतलब क्वीन आ जाती है, पर यहाँ पे क्वीन है नहीं। तो आपको दिख रहा है आपकी आर्मी जो है वो बढ़ चुकी है। अब आपके पास यहाँ पे 2 हील स्पेल पड़े होते हैं और एक पड़ा होता है रेज स्पेल। रेज स्पेल आपने देना होता है आपकी सीसी के अंदर। आपकी सीसी में पड़े होते हैं बॉलर बहुत सारे, पर यहाँ मैं बॉलर की जगह लेके गया था एक छोटा बॉर्डन और एक आइस गोलम, क्योंकि मेरे पास किंग क्वीन नहीं थे तो मैंने सोचा ये थोड़ा काम कर देगा, क्योंकि बॉर्डन ना 24% हेल्थ इंक्रीज कर देता है आपके बॉलर्स वगैरह की, मतलब जो भी आपकी आर्मी है। तो आपको दिख रहा है बिल्कुल भी हीरो नहीं है, फिर भी यहाँ पे जो हमारे ट्रूप्स है वो कितने पावरफुल हो रखे हैं। और जब एक सही टाइम मुझे लगा तो मैंने वहाँ पर रेज स्पेल दे दिया ताकि जल्दी से क्लीन हो जाए। और आपको दिख रहा है लगभग जो पूरे बेस की डिफेंसिस तो वो उड़ चुकी है। कुछ टेस्ला टावर्स हैं जो बैक साइड में थे वो निकले हैं। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है हमारा पॉइजन स्पेल यहाँ पे बच गया और हमारी जो विचेस है वो अब मर जाएंगी। अगर हीरो होते तो आप यहाँ पे हिसाब लगा सकते हो कि बड़े आराम से यहाँ पे 3 स्टार आ जाते, पर ये अटैक खत्म हो गया 77 स्टार पे। दोबारा कोशिश करेंगे अगला अटैक। मैंने सोचा कि सेम आर्मी लेके जाऊंगा और साथ में सीसी में रख लूंगा होग, तो बहुत अच्छा हो सकता है कुछ, मतलब पिछली बार छोटा बॉर्डर लेके गया था और एक बर्फ वाला गोलम। तो अगला अटैक आपको आ चुका है, आपको क्या दिख रहा है एक इन्फर्नो टेक डाउन कर लेना है और इन्फर्नो के साथ जितनी भी चीज है उसको भी डैमेज देना है। लाइटनिंग स्पेल की रेंज होती है 5 टाइल गिन लोगे और तीसरे टाइल पे घेरोगे तो 2 टाइल इस तरफ को और 2 टाइल इस तरफ को भी इफेक्ट पड़ता है, तो उस हिसाब से आप किसी और चीजों को भी डैमेज दे सकते हो लाइटनिंग स्पेल से। तो आपको दिख रहा है सेम स्ट्रेटेजी लेफ्ट और राइट साइड की क्लीनिंग और उसके बाद आपकी सारी की सारी आर्मी इन आ जाती है। आपको दिख रहा है लोग लॉन्चर इन्फर्नो को ट्रिगर कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका जो लोग लॉन्चर है वो सीधा इन्फर्नो को जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा डालते तो यहाँ पे जो एक्सबो है, मोर्टार है और टेस्ला है, इसको भी हम ट्रिगर कर सकते थे। तो लोग लॉन्चर का पाथ बहुत अच्छे से सोच के डाला करो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो। तो मुझे लग रहा है आपको अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे जैसे हमारे होग निकले, किस्मत ही खराब थी, सारे स्प्रिंग ट्रैप आ गए और हमारे सारे होग उड़ चुके हैं यहाँ पे, वरना अच्छी खासी डिफेंसिस क्लीन हो जाती। इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये अटैक भी अब 3 स्टार नहीं होगा, पर देखते हैं कितना हो सकता है। तो आपको दिख रहा है पीछे वाली साइड बहुत सारे विजार्ड टावर पड़े हैं। आपकी इस आर्मी को सिर्फ खतरा होता था मल्टी इन्फर्नो और विजार्ड टावर्स या फिर बॉम्बर टावर का, पर आपके किंग क्वीन होते तो बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं, पर हमारे यहाँ पे हीरो नहीं है तो हमारी आर्मी है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है सेंटर में आने के बाद। तो आपको दिख रहा है 70% यहाँ पे अभी हो चुका है, थोड़े से ट्रूप हमारे पास बचे हुए हैं, बिल्कुल थोड़े से, जो मुझे लग रहा है मरने वाले हैं। तो
दोनों आर्मियों का लिंक मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही वीडियो बहुत छोटी सी होगी टाउन हॉल 10 और टाउन हॉल 9 के लिए। तो बड़े टाउन हॉल का जो लिंक होगा वो भी कमेंट सेक्शन में पिन होगा और इस आर्मी का टाउन हॉल 9 और टाउन हॉल 10 की जो आर्मी है इनका लिंक भी कमेंट सेक्शन में ही पिन होगा। वहां पे रीड मोर करके इसको खोल लेना और अपने हिसाब से लिंक देख लेना आपको कौन सा क्लिक करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। टिल देन स्प्रेड लव। जय श्री कृष्णा। बाय बाय। लव यू ऑल। राधे राधे राधे।